हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तसो किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम करी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मशरूम लिया है और इसे दो भाग में काट लिया है और पानी में अच्छे से धो लिया है। मशरूम का पानी जब अच्छे से सूख जाए उसके बाद हम कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करेंगे। और इस गरम तेल में हम मशरूम को डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मशरूम अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। उसी बचे हुए तेल में मैंने थोड़ा सा तेल और ऐड किया हुआ है। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ज़ीरा, दो छोटी इलायची और दो लौंग और दालचीनी की थोड़ी सी लकड़ी। अब जब ज़ीरा अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद हम दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और एक बार फिर इसे अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन को भूनने के बाद इसमें हम दो बड़े टमाटर बारीक कटे हुए डालेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला। और एक बार फिर से इसे अच्छे से भून लेना है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच टोमेटो सॉस। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नमक एज पर योर टेस्ट। और एक बार फिर से इसे अच्छे से भूनना है। मसाला जब अच्छे से भुन जाए, इसमें से खुशबू आने लगे, हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आपको ग्रेवी थिक चाहिए या आपको ग्रेवी थोड़ी पतली चाहिए तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी में एक बॉईल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी हरी मटर। मटर को हम यहाँ 2-3 मिनट के लिए थोड़ा पकने देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम। क्योंकि मशरूम को हमने पहले ही से अच्छे से फ्राई कर लिया है तो इसे बस 1-2 मिनट और पकाएंगे। हमारी मशरूम करी अब रेडी है।
इसको गर्मा गर्म रोटी पराठा पूड़ी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।